वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम DAV पब्लिक स्कूल सीकर। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट TVS क्लास फर्स्ट का चैप्टर है आपका 10 माई स्कूल का पार्ट नंबर है 3। तो पार्ट 2 में आपने जो अदर प्लेसेस एट स्कूल पढ़े थे, इसके अलावा और भी अदर प्लेसेस हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आपको इन्हें ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है। अब देखो, इसके अलावा आपको बताया था लाइब्रेरी बता दी थी, स्टाफ रूम बताया था। इसके अलावा अब आपको बताते हैं डांसिंग रूम। कौन सा रूम? डांसिंग रूम। तो जब भी आप क्या करते हो, कोई फंक्शन वगैरह होता है स्कूल में, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? एक डांसिंग रूम भी तो होना चाहिए ना। तो एक स्कूल में क्या होता है? डांसिंग रूम होता है। देखो ये है, देयर इज़ ए डांसिंग रूम। देयर इज अ डांसिंग रूम, DANCING, डांसिंग रूम इन आवर स्कूल, इन आवर स्कूल, हमारी स्कूल में एक डांसिंग रूम है। वहाँ पर क्या करते हैं? वेयर वी प्रैक्टिस डांस। वहाँ पर हम क्या करते हैं? डांस की प्रैक्टिस करते हैं। वेयर वी प्रैक्टिस, PRACTIS, प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना डांस की, जहाँ पर हम डांस की प्रैक्टिस करते हैं। वी हैव ए डांस क्लास वंस अ वीक। वी हैव अ डांस क्लास, वीक में एक बार डांस क्लास भी होती है। इन अ वीक। अब देखो नेक्स्ट है सिक रूम। तो ये आपने जान लिया डांसिंग रूम के बारे में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सिक रूम। ये है सिक रूम। सिक मीन्स होता है बीमार। जब हम बीमार हो जाते हैं तब हम कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल में जाते हैं। बट यदि हम स्कूल में बीमार हो जाएं, हमारे कुछ लग भी सकती है, चोट लग सकती है, हमारे फीवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए क्या होता है? एक सिक रूम होता है। तो देयर इज़ ऑल्सो ए सिक रूम। देयर इज़ ऑल्सो अ सिक रूम, एक सिक रूम भी होता है। सिक मीन्स क्या होता है? बीमार। वहाँ पर स्टूडेंट्स किसके लिए जाते हैं? वेयर स्टूडेंट्स गेट ट्रीटेड। वेयर स्टूडेंट्स गेट ट्रीटेड, TREATED, ट्रीटेड व्हेन दे आर सिक। देखो सिक रूम जो होता है वहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करने के लिए जाते हैं? ट्रीटमेंट कराने के लिए, अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जब वो बीमार हो जाते हैं। ठीक है, यदि कोई भी बीमार होता है तो वो कहाँ पर जाता है? सिक रूम में। अब देखो इसके अलावा है कंप्यूटर रूम। कौन सा रूम? कंप्यूटर रूम भी स्कूल में होता है, COMPUTER, कंप्यूटर रूम। कंप्यूटर पर आप क्या क्या करते हो बच्चों? कोई गेम खेल सकते हो। तो देयर आर मैनी कंप्यूटर्स इन द कंप्यूटर रूम। देयर आर many computers in the computer room. computer room में बहुत से computer रखे हुए होते हैं, इसीलिए उसे computer room कहते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? हम सीखते हैं, we learn how to use computer।
यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि कंप्यूटर को किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से ऑपरेट करना है, उसे चलाना तो सीखना पड़ता है ना। तो हम क्या सीखते हैं कंप्यूटर रूम में, देयर आर मैनी कंप्यूटर्स इन द कंप्यूटर रूम, वी लर्न हाउ टू यूज़ कंप्यूटर। हम यहाँ पर सीखते हैं कि हाउ टू यूज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज़ किस तरह से हमें करना है। तो ये भी जो प्लेसेस होते हैं, तो आपने आज देखा है डांसिंग रूम और कंप्यूटर रूम के बारे में और एक सिक रूम के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में आपने जान लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अब देखो, हम देखते हैं कि स्कूल में हमारे हेल्पर्स कौन कौन होते हैं। स्कूल में आपने देखा होगा पियोन होते हैं, है ना, और पियोन के अलावा गार्डनर होते हैं, जो क्या करते हैं स्कूल में हमारी हेल्प करते हैं। अब देखो, हेल्पर्स इन द स्कूल, स्कूल में कौन कौन हेल्पर्स होते हैं। हेल्पर्स इन द स्कूल, अब देखो इसमें सबसे पहले हैं ड्राइवर। आपने देखा होगा ड्राइवर होते हैं, तो ड्राइवर क्या करते हैं, ड्राइवर जो होते हैं ड्राइव द बसेस, है ना, द ड्राइवर ड्राइव्स द स्कूल बस, द ड्राइवर। जो बच्चे बसों से आते हैं उनके लिए क्या होता है, बसें होती हैं, और उन बसों को कौन चलाता है, ड्राइवर, द ड्राइवर ड्राइव्स द स्कूल बस। तो ये हमारे क्या हैं, हेल्पर, जो स्कूल के स्कूल में हमारी हेल्प करते हैं, स्कूल बस टू पिक एंड ड्रॉप द चिल्ड्रन, एंड ड्रॉप द चिल्ड्रन। पिक एंड ड्रॉप क्या होता है, पिक मीन्स होता है आपको आपके घर के पास जो भी स्टॉप होता है वहाँ से आपको ले लेते हैं, तो मतलब होता है पिक करना, और ड्रॉप करना क्या होता है, वहीं पर ही वो जो ड्राइवर होते हैं बसों में से उन बच्चों को ड्रॉप कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है, स्कूल बस से उनको पिक करना और ड्रॉप करना। तो ये काम किसका होता है, ड्राइवर का। यदि ड्राइवर नहीं होगा तो क्या होगा, स्कूल बस नहीं चल पाएगी ना, तो वो हमारी क्या है, हेल्पर। नेक्स्ट है पियोन। पियोन जो होते हैं वो क्या करते हैं, अब देखो, द पियोन, जब स्कूल की बेल बजती है तो आपको क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना, आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो। तो पियोन डस प्रेटी जॉब्स, द पियोन डस प्रेटी जॉब्स लाइक रिंगिंग द बेल, जैसे कि घंटी बजाना आपको बहुत अच्छा लगता है ना, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं जब बेल बजती है, लाइक रिंगिंग द बेल एंड अदर ऑड जॉब्स, एंड अदर जॉब्स। और भी बहुत से जो वर्क होते हैं वो पियोन को करने होते हैं, तो ये पियोन भी क्या है, हमारी हेल्पर हैं। यदि पियोन नहीं होगा तो इनका काम कौन करेगा। अब देखो, नेक्स्ट है गार्ड। नेक्स्ट है गार्ड, जी यू ए आर डी, गार्ड। गार्ड मीन्स क्या होता है, जो स्कूल की या कहीं की भी क्या करता है, सुरक्षा करता है। द गार्ड गार्ड क्या करते हैं, सेफ गार्ड्स, जी यू ए आर डी एस, सेफ गार्ड्स द एंट्रेंस ऑफ द स्कूल, द ई एन टी आर ए एन सी ई, एंट्रेंस ऑफ द स्कूल। अब देखो, जो गार्ड होते हैं वो बैठे हुए रहते हैं कहाँ पर,
स्कूल का जो एंट्रेंस होता है, जहाँ पर स्कूल में से स्कूल में हम जाते हैं, स्कूल का जो एंट्रेंस होता है वहाँ पर गार्ड बैठे हुए रहते हैं, और इनका काम होता है कि ये क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रेंजर को आने नहीं देते, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हमारी जो स्कूल हो वो कैसे रहे, सुरक्षित रहे, सेफ रहे, इसलिए ये हमारी स्कूल की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। और कोई भी जो स्ट्रेंजर होता है जिसे हम नहीं जानते, उसे आने की परमिशन नहीं देते, उसे आना अलाउ नहीं करते, ये किसका काम होता है, गार्ड का। तो ये सब क्या है, हमारे हेल्पर हैं। इसके अलावा गार्डनर भी होता है स्कूल में, जो क्या करता है, जो आपका पार्क होता है, जो स्कूल में प्लेग्राउंड होता है, उसकी वो रखवाली करता है। तो ये आपने जाना आज अदर हेल्पर्स के बारे में और अदर प्लेसेस के बारे में बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।